अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप 100 डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो एमसीक्यूज हैं वो लेकर आया हूँ। जब भी आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो तैयारी है वो करेंगे तो आपको ये टॉप 100 जो डेटाबेसेस हैं जिसमें RDBMS के हवाले से है, SQL क्यूरीज के हवाले से है, और SQL सर्वर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, क्यूरी लगाते हुए जो कंडीशंस, जो एरर्स आते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज आते हैं, जो डेटा टाइप्स के हवाले से आते हैं, वेरिएबल्स के हवाले से, ये तमाम के तमाम MCQs आपके लिए मैंने 100 तैयार किए हैं। और ये सारे के सारे डेटा बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के हवाले से हैं। और ये जो एप्लीकेशन है वो है MCQs 100। इनकी फ़ाइल मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, लिंक वहाँ से फ़ाइल आपको मिल जाएगी। ये फ़ाइल पासवर्ड इनक्रिप्टेड होगी, आपको पासवर्ड इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन जो MCQs की डिटेल होगी वहाँ पे आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से उसको ओपन कर सकते हैं। तो आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ़ाइल को, और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, हम किस तरीके से ये देखते हैं 100 डेटाबेस के MCQs। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें, और साथ ही घंटी के बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजी के हवाले से जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। ओके, पहला जो MCQ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, आर रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, जो RDBMS है वो क्या किस चीज़ पे कलेक्ट करता है, टेबल्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स या कीज़। ठीक है, आप इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ये टेबल्स पे कंसिस्ट करता है। सेकंड हम देखेंगे जी, आ इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज, रो, कॉलम, की, एंट्री। जी, ये रोज पे डिपेंड करता है जो रिलेशनशिप टेबल का होता है। द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ डैश ऑफ अ टेबल। ठीक है, जो टर्म एट्रीब्यूट है वो किस पे रेफर करता है, वो कॉलम्स पे करता है। ठीक हो गया। ओके, द टर्म जो है वो इज यूज टू रेफर टू अ रो, किस उसके होता है, ट्यूपल, एट्रीब्यूट, फील्ड या इंस्टेंस, ये ट्यूपल पे होता है। द टर्म ट्यूपल इज यूज टू रेफर टू अ रो। ओके, फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डैश ऑफ दैट एट्रीब्यूट। कौन सा है, डोमेन, रिलेशन, सेट या स्कीमा। ठीक है, ये इसमें इसका आंसर है ए, डोमेन। इसी तरीके से ये एक क्यूरी लिखी हुई है, कोर्स, कर्सर में कोर्स आईडी, कॉमा, सेक आईडी और सेमेस्टर। ठीक है जी, हेयर द कोर्स आईडी, सेक आईडी एंड सेमेस्टर आर क्या है, डैश, एंड कोर्स इज क्या है। जो पहली चीजें हैं, कोर्स आईडी और सेक आईडी क्या है और कोर्स क्या है जनाब, एट्रीब्यूट रिलेशन है, रिलेशन एट्रीब्यूट्स हैं, ट्यूपल रिलेशन है या ट्यूपल रिलेशन एट्रीब्यूट्स है। जी, पहला आंसर है इसका एट्रीब्यूट्स, मतलब कोर्स आईडी और सेक आईडी एट्रीब्यूट्स हैं जबकि जो कोर्स है वो उसका रिलेशन है। ओके, डेटाबेस डैश विच इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एंड द डेटाबेस डैश विच इज अ स्नैपशॉट ऑफ द डाटा इन दी डेटाबेस एट अ गिवन इंस्टेंट इन टाइम। ठीक हो गया, ये कौन सा है जी, ये पहला है डेटाबेस स्कीमा है और दूसरे में इंस्टेंस है। ओके, अ डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट ऑफ अ डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी डैश यूनिट्स। कौन सा है, डिफरेंट है, इनविजिबल है, डिविजिबल है या नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट है। ये इनविजिबल, इनडिविजिबल है। डिपार्टमेंट जो है, ये टेबल का नाम है, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग, बजट एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी। हेयर द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट अपीयर्स इन बोथ द रिलेशंस, हेयर यूजिंग कॉमन एट्रीब्यूट इन रिलेशन स्कीमा इज वन वे ऑफ रिलेटिंग। क्या रिलेशन बनता है, एट्रीब्यूट ऑफ डिस्टिंक्ट, ट्यूपल ऑफ कॉमन, ट्यूपल ऑफ डिस्टिंक्ट या नन ऑफ द ऑप्शन, ये ट्यूपल ऑफ डिस्टिंक्ट बनेगा जी। ओके, 11 जो MCQs है उस पर यूजिंग विच लैंग्वेज कैन अ यूजर रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, किसके थ्रू यूजर जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ये क्यूरी के थ्रू हम डेटाबेस से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द ड्यूपल्स ऑफ आर रिलेशन कैन बी ऑफ, क्या होगा इसका, सेम, कॉन्स्टेंट, नन ऑफ द ऑप्शन या एनी, ये एनी होगा। ठीक है, एनी ऑर्डर पे आप रिलेशन कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, कौन सी प्रोसीजरल लैंग्वेज है जी, क्यूरी लैंग्वेज है, ट्यूपल रिलेशन कैलकुलस है, डोमेन रिलेशन कैलकुलस है या रिलेशन अलजबरा है। जनाब, ये रिलेशनल अलजबरा है।
स्टूडेंट आई डी नेम डिपार्टमेंट नेम टी ओ टी एंडर स्कोर कैट इन दिस क्यूरी विच एट्रीब्यूट फ्रॉम द प्राइमरी की, प्राइमरी की कौन सी है, क्या आई डी है, नेम है या बाकी क्यूरीज है? जी इसमें आई डी प्राइमरी की है इस वक्त, ठीक हो गया। द ऑपरेशन द डैश ऑपरेशन अलाउज टू द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन बाई मर्जिंग पेयर ऑफ ट्यूपल्स वन फ्रॉम ईच रिलेशन इन टू अ सिंगल, कौन सा यूनियन है, ज्वाइन है या सेलेक्ट है? ये ज्वाइन का है, द ज्वाइन ऑपरेशन। ओके, द डैश ऑपरेशन परफॉर्म्स अ सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलरली स्ट्रक्चर टेबल, प्रोडक्ट है, इंटरसेक्ट है, यूनियन है या नन ऑफ द ऑप्शन? यूनियन है जी। द रिजल्ट विच ऑपरेशन कॉन्टेन्स ऑल पेयर ऑफ ट्यूपल्स फ्रॉम द टू रिलेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका आंसर है। ओके, द ऑपरेटर टेक्स द रिजल्ट ऑफ टू क्यूरीज एंड रिटर्न्स ओनली रोज डेट अपियर इन बोथ रिजल्ट, प्रोजेक्शन, डिफरेंस, यूनियन या इंटरसेक्ट? ये इसका आंसर है इंटरसेक्ट। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजबरा फॉर प्रोजेक्टिंग अ सेट ऑफ ट्यूपल फ्रॉम अ रिलेशन इज सेलेक्ट, अ डैश इज अ पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ द स्कीमा ऑफ अ डेटाबेस दैट शोज द रिलेशन इन द डेटाबेस देयर एट्रीब्यूट एंड प्राइमरी कीज एंड फॉरन की, कौन सी डायग्राम जो कि पिक्टोरियल फॉर्मेट करती है? ये स्कीमा डायग्राम जो है ना उसमें रिलेशनल आपको रिलेशंस कंप्लीटली नजर आते हैं टेबल्स के। ओके, 21 पे है, विद वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, डिलीटिंग रिलेशंस एंड रिलेटिंग स्कीमास, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका आंसर है। द डैश प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट टेक वन और मोर रिलेशंस एज इनपुट एंड रिटर्न अ रिलेशन एज एन आउटपुट, ओके, रिलेशनल अलजेब्रा इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्यूरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एंड टू इंसर्ट ट्यूपल्स इन टू डिलीट ट्यूपल्स फ्रॉम एंड मॉडिफाई ट्यूपल्स इन द डेटाबेस, ये DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, ये क्यूरी लिखी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉई, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस, ये कौन सी स्टेटमेंट है, DDL है, व्यू है, DML है, इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है, ये DML है, डाटा मैनिपुलेशन की है, ठीक हो गया। क्रिएट टेबल एम्प्लॉई नेम वर्चर आई डी इंटीजर, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ये कौन सी है जी, DML है, व्यू है, DDL है, कौन सी है, ये DDL की है। द बेसिक टाइप डाटा टाइप चार एन इज आ, ठीक है, ये डैश आ गया, ये इसमें कौन सा है, फिक्स्ड लेंथ करेक्टर स्ट्रिंग एंड वर्चर एन इज द वेरिएबल लेंथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट आर ट्रू व्हेन अ रोल बैक स्टेटमेंट इज इशूड टू द डाटा बेस द ट्रांजेक्शन हैज एंडेड, ठीक है, कौन सी दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक है ऑल वर्क डन बाय द ट्रांजेक्शन इज अनडन एज इफ हैड नॉट बीन इशूड, एनी लॉक्स एक्वायर्ड बाय द ट्रांजेक्शन आर रिलीज, दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों दुरुस्त हैं, बी और सी। ओके, एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डाटा टाइप वर्चर 20 हैज द वैल्यू ए बी आई, द एट्रीब्यूट बी ऑफ डाटा टाइप चर 20 हैज वैल्यू रीड, हेयर एट्रीब्यूट ए हैज, क्या होगा इसका, ठीक है, स्पेस कितनी आएगी, एट्रीब्यूट बी की कितनी स्पेस कवर होगी, 3 और 20, ठीक है। टू मूव आर रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल डेटाबेस वी यूज, हमने रिलेशन रिमूव करना है तो क्या कौन सी चीज़ यूज होगी, डिलीट, पर्ज, रिमूव या ड्रॉप टेबल, जी पर्ज के तौर पर हम यूज कमांड यूज करेंगे, ये इंसर्ट की कमांड है, इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर वैल्यूज, ये वैल्यूज हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कौन सा है, DML क्यूरी रिलेशन या DDL, ये DML की है जी, इसको DML कहेंगे। 30th में डिलीट फ्रॉम, ये एक कमांड दी गई है, रिलेशन दिस कमांड परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, कौन सा होगा, ठीक है, क्लियर रिलेशन एंट्री, ये इसका आंसर है। अपडेट्स डेट वायलेट डैश आर डिस अलाउड, किस में होगा, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में, ये एक टेबल दिया गया, नेम बॉब कैली, नेम डायरेक्ट एनी, विच ऑफ दीज क्यूरीज आर विल डिस्प्ले एट द टेबल गिवन बिलो, किस किस तरीके से होगा, आपको पहली क्यूरी होगी ए बी सी डी, कौन सी जी, पहली सिलेक्ट नेम, क्योंकि सिर्फ नेम ही है, टेबल का नाम एम्प्लॉई है। Here which of the following displays the unique values of the column? Select, ठीक है, department name from instructor, क्या होगा, आपने select करना है, distinct, ठीक है। The clause, the dash clauses allows us to select only those rows in the result relation of the where clause, पहले where आएगी then from clause आएगी। The query given below will not give an error. Which of one of the following has to be replaced to get the desired output? कौन सी चीज़ replace की जाएगी? Select ID, comma, name, department name, salary,
स्टैटिक 1.1, ठीक है। वेयर इंस्ट्रक्टर कौन सा आएगा, ये वेयर की क्लॉज, ठीक है। द क्लॉज इज यूज टू लिस्ट द एट्रीब्यूट डिजायर्ड इन द रिजल्ट ऑफ अ क्यूरी, सेलेक्ट। दिस क्यूरी कैन बी रिप्लेस बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सेलेक्ट नेम, कोर्स आई डी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, टीचेस, वेयर इंस्ट्रक्टर आई डी इज इक्वल टू टीचेस आई डी। कौन सा होगा, ये पहली होगी, सेलेक्ट नेम, ये वाली क्यूरी इसमें काम आएगी। सेलेक्ट सैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 एंड डिपार्टमेंट आई डी इज इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड आर डिस्प्लेड, कौन सी फील्ड आएंगी, ठीक है। ये फील्ड्स आएंगी या ऑल फील्ड्स आएंगी, जी स्टैटिक में आपको पता है ऑल की फील्ड्स आएंगी उस टेबल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स एन एरर, कौन से स्टेटमेंट एरर क्रिएट कर रही है, पहली सेलेक्ट एम्प आई डी वेयर एम्प आई डी इज इक्वल 101 एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू, ये इसमें एरर आएगा, ठीक होगा। इन द गिवन क्यूरी विच ऑफ द की वर्ड हैज टू बी इंसर्टेड, इंसर्ट इन टू एम्प्लॉई, ठीक है। ये तीन फील्ड दी गई हैं, इसमें वैल्यूज का वर्ड यहाँ यूज होगा डैश में। सेलेक्ट नेम, इंस्ट्रक्टर नेम, कोर्स आई डी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, टीचर्स, वेयर इंस्ट्रक्टर आई डी इज इक्वल टू टीचर्स डॉट आई डी, विच की वर्ड मस्ट बी यूज हेयर टू रीनेम द फील्ड नेम, ठीक होगा। कौन सा होगा, एज, वट डू यू मीन बाई वन टू मैनी रिलेशन बिटवीन टीचर एंड क्लास, क्या होगा रिलेशन, वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस, ठीक हो गया। वट आर द डिफरेंट व्यू टू प्रजेंट अ टेबल, ठीक है, डिजाइन व्यू भी हो सकता है, डाटा शीट का भी हो सकता है, और पाइवट टेबल भी व्यू हो सकता है। इन विच स्टेट वन गैदर्स एंड लिस्ट ऑल द नेसेसरी फील्ड्स फॉर द डाटा बेस डिजाइन प्रोजेक्ट, डाटा डेफिनेशन, ठीक हो गया। इन वन टू मैनी रिलेशनशिप द टेबल ऑन मैनी साइड इज कॉल्ड चाइल्ड, इन वन टू वन मैनी रिलेशन इन द टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड पेरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स अस टू व्यू डेटा फ्रॉम अ टेबल बायस बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरियन, क्यूरी, विच डेटा बेस ऑब्जेक्ट इज आइडियल टू व्यू चेंज एंड एनालाइज डेटा इन डिफरेंट वेज, क्यूरी, विच नेम मस्ट बी यूनिक विद इन अ डाटा बेस, क्या होगा टेबल, ठीक हो गया। विच डाटा टाइप अलाउज अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स टू बी एंटर्ड, टेक्स्ट, मेमो, ऑटो नंबर या मिक्स टेक्स्ट। इट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश एन एसोसिएशन बिटवीन रिलेटेड टेबल्स, लाइन है, प्राइमरी की है, रिकॉर्ड्स है या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है इसके अंदर। दिस की डेट यूनिक आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड, क्या होगा ईच रिकॉर्ड, प्राइमरी की। ओके दोस्तों, ये मेरी जो फाइल है जो मैं पीडीएफ के तौर पर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसका पासवर्ड जो है ना PPAK@123, या पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको ये फाइल इंक्रिप्शन फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। ओके नेक्स्ट पे जाते हैं। द थर्ड स्टेज ऑफ डिजाइनिंग अ डेटाबेस इज व्हेन वी क्रिएट, क्या होगा, रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो डेटाबेस डिजाइन में होगा। द टू टेबल्स कैन बी लिंक्ड विद रिलेशनशिप टू इंश्योर डाटा इंटेग्रिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटाबेस मॉडल, कौन सा इसमें से नहीं है डाटाबेस मॉडल, तीनों के तीनों जो है वो नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, तीनों डाटाबेस मॉडल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स है विड्थ ऑफ 8 bytes, कौन सी है जी, डेट एंड टाइम की 8 bytes विड्थ होती है जी। विच वन इज द गाइडलाइन ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, पहला Do not enter a value in the foreign key field of a child table if that value does not exist in the primary key of the parent table. Okay. In a database table, the each category of information is called field. The overall description of a database is called database schema. 60 पे जो MCQs में लेकर आया हूँ वो है, a data dictionary is a repository that manages, क्या होगा data dictionary, metadata. Which of the following is not a database object, relationship. SQL permits attribute names to be repeated in the same relation, ये true है कि false है, जनाब ये false है। Which of the following is not a valid SQL type, कौन सी इसमें से SQL type valid नहीं है, decimal, float, numeric या character, decimal इसमें से SQL की type और नहीं है क्योंकि वो उसमें फ्लोट में आ जाता है, कवर हो जाता है वो। विच डाटा मैनिपुलेशन कमांड्स इज यूज टू कंबाइंस द रिकॉर्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स, जॉइन के थ्रू हम एक से ज्यादा टेबल से रिकॉर्ड ले सकते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज, इन के नाम से।
एसक्यूएल क्यूरी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट डुप्लीकेट्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट नहीं करेगी, आपको खुद करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिक्वायर द रिलेशन टू बी यूनियन कंपेटिबल? ठीक है, किस ऑपरेशन के जरिए? आप यूनियन के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरसेक्शन के थ्रू भी, और डिफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। द एसक्यूएल यूज बाई फ्रंट एंड एप्लीकेशन द प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डीबीएमएस इज कॉल्ड, क्या होगा ये? डीएमएल। द कमांड यूज टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम इन अ रिलेशन इज अल्टर ड्रॉप। ठीक है, ओके, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये चार स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से करेक्ट कौन सी है? पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी करेक्ट है, लॉग इन ट्रिगर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिगर दैट फायर व्हेन लॉग इन इवेंट ऑफ एसक्यूएल सर्वर इज रेज्ड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोर प्रोसीजर्स आर प्रेजेंट इन एसक्यूएल सर्वर? कितने किस्म के स्टोर प्रोसीजर मौजूद हैं इस वक्त? ये चार किस्म के स्टोर प्रोसीजर मौजूद हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्सर इज प्रेजेंट इन एसक्यूएल सर्वर? ठीक है, चार किस्म के कर्सर भी मौजूद हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी चेक फॉर एरर्स? कौन सी स्टेटमेंट जिससे हम एरर्स चेक कर सकते हैं? इंसर्ट की स्टेटमेंट। ठीक है, डीएमएल ट्रिगर्स इन एसक्यूएल सर्वर इज एप्लीकेबल टू इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, तीनों में वो यूज होती है। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? जनाब ए, द इनपुट टाइप एड टाइप इज पास्ड एज द फर्स्ट टर्मिनेटर टू एसपी एग्जीक्यूट एसक्यूएल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रोल फ्लो की बोर्ड, क्या है, कौन सा कंट्रोल किया जाता है जिसके जरिए हम कंट्रोल करते हैं? जी, गो टू का है, उसके थ्रू। डाटा रिटर्न यूजिंग आउटपुट पैरामीटर इज, ये तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई सभी ठीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सपोर्ट फॉर ट्रांजेक्शन? ठीक है, एसपी अंडरस्कोर बाइंड सेशन। रिसीव सर्विस ब्रोकर स्टेटमेंट अप्लाइज टू विच ऑफ द वर्जन, किस वर्जन में ये ऑप्शन आया था? ठीक हो गया, ये 2008 वाले वर्जन में आया था। फंक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, किसके लिए फंक्शन यूज नहीं किया जा सकता? इंसर्ट की स्टेटमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्ट एसक्यूएल यूजर डिफाइंड फंक्शन? ये तीनों जो बताए गए हैं स्टेटमेंट्स, ये गेट कन्वर्जेशन, ग्रुप मूव कन्वर्जेशन, रिसीव, ये तीनों। इन द एरे द एलिमेंट्स आर नंबर्ड फ्रॉम, जो एरे है वो कहाँ से शुरू होता है? जीरो से लेकर नाइन तक शुरू होता है। विच आर द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल? ठीक है, डिक्लेयर से भी, सेट से भी, और सेलेक्ट से भी कर सकते हैं। ओवरलोड फंक्शंस आर, क्या होते हैं ओवरलोड फंक्शन? मैनी फंक्शन इन द प्रोग्राम, फंक्शन हैविंग सेम वेरिएबल, मोर देन वन फंक्शन हैविंग सेम नेम, फंक्शन हैविंग ग्लोबल वेरिएबल। जी, मैनी फंक्शन इन द प्रोग्राम, वेरिएबल्स डिक्लेयर इन साइड द फंक्शन आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द एंटिटी सेट्स? ठीक है, रेक्टेंगल। एन ई आर डायग्राम कैन एक्सप्रेस द ओवरऑल ऑफ अ डेटाबेस ग्राफिकली, लॉजिकल स्ट्रक्चर। एलिप्सिस रिप्रेजेंट, क्या होता है एलिप्सिस, की किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये एट्रीब्यूट्स को करते हैं रिप्रेजेंट। डायमंड किस चीज़ को एट्रीब्यूट्स कर प्रेजेंट करते हैं? ये रिलेशनशिप सेट्स को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम लिंक एट्रीब्यूट टू एंटिटी सेट्स एंड एंटिटी सेट्स टू रिलेशनशिप सेट्स? ठीक है, कौन सा है जी? लाइन से आता है, डबल लाइन से, डैश लाइन से, या डबल एलिप्सिस से? जी, लाइन्स के थ्रू आप ये एट्रीब्यूट्स एंटिटी के, सेट्स के, और रिलेशनशिप सेट्स के कर सकते हैं। डैश इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप डैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स, मीन्स किसका है? एंटिटी सेट का है। डबल एलिप्सिस किस चीज़ को? मैंने लास्ट में अब ये बताया आपको, ठीक है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को। एन एंटिटी इज अ ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन डिलीटिंग रिलेशन एंड रिलेटेड रिलेटिंग स्कीमास DDL? एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक हो गया, इसमें क्या होगा? डैश इज यूज एज द डिफेक्टो स्टैंडर्ड लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस GDL। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज रिलेशनल अलजबरा? ODBC स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डेटाबेस, ओरियंट डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, या ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी? ये जी थर्ड सी में ओपन डेटाबेस एक्टिविटी ODBC से बनता है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस? ठीक है, टेबल्स के जो रिलेशन है उसमें से उनको क्या कहेंगे हम? फॉरन की। ठीक है,
डेटा इंडिपेंडेंट मींस इसका क्या मतलब है, ये 100 नंबर जो टॉप 100 का लास्ट एमसीक्यूज है, लास्ट में डेटा इंडिपेंडेंस मींस क्या होगा? प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा, प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉजिकल एट्रीब्यूट डेटा, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट या कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है? वो दोनों ऑप्शन ठीक हैं, प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट और प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट, ए एंड बी। तो इस तरीके से आज हमने टॉप 100 डीबीएमएस जो एमसीक्यूज हैं वो देखे हैं। आप किसी भी डीबीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेटाबेस की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉप 100 जो एमसीक्यूज हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।